नमस्कार साथियों, निर्माण काशी अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत अच्छा दिन है तमाम अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि कई परीक्षाओं में रिजल्ट थोड़ा देर से आता है, तो इससे एक अनसर्टेन स्थिति बनी रहती है। यूपी एपीओ की परीक्षा जो कि आपकी हुई थी 21 अगस्त 2022 को, उसका रिजल्ट आपका आ गया। लगभग एक महीने में आपका रिजल्ट आ गया है और ये बहुत खुशी की बात है। तो यूपी एपीओ 2022 के बारे में आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के 64,100 फार्म पड़े थे, लेकिन परीक्षा 33,315 लोगों ने ही दी। सफल अभ्यर्थी रहे हैं तो उस समय पदों की संख्या 44 थी और ये संभावनाएं थी कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा, उस पर अब पटाक्षेप लग गया है। कुल पद फिलहाल आपके 69 हो गए हैं, जिसके बनस्पत 1,079 बच्चों को सफल घोषित किया गया है, लगभग 15 गुना है। 1,079 बच्चों को सफल घोषित किया गया है जो कि पदों के लगभग 15 गुना है, यानी कि मेंस एक पद के लिए लगभग 15 बच्चे लिखेंगे। कंपटीशन की पराकाष्ठा आपको समझ में आ रही होगी, जबकि लगभग 400 बच्चे एक पद के लिए प्रीलिम्स में थे, अब वो घट करके 15 गुना रह गया है, यानी कि एक पद के लिए 15 बच्चे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आपकी कंपटीशन का स्तर क्या रहेगा, ठीक है। और साथ ही आयोग ने बताया है कि पीयूष भूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य याचिका संख्या 8760/2022, ये जो आपका रिजल्ट है, अंतिम रिजल्ट होगा, इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। ऐसा अधिकार है लोक सेवा आयोग को रिजल्ट जारी करने का, तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया में कोई बाधा व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दिया। न्यायालय ने किसी तरीके का स्टे ऑर्डर नहीं लगाया है, तो ये अपना कार्य कर रहे हैं। न्यायालय में सुनवाई चल रही है इस याचिका की, तो जो भी निर्णय होगा वो निर्णय इसके अंतिम रिजल्ट पर लागू होगा। फिलहाल की स्थिति क्या है कि आपका रिजल्ट आ चुका है, 1079, ठीक है, 1079 बच्चे पास हुए हैं। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और अच्छे से आप मेहनत करिए, आप में से ही अंतिम रूप से चयन होना है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझसे जुड़े हुए बच्चे, काफ़ी हद तक मुझे भी रिजल्ट पॉजिटिव मिले हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी थी उसमें रेशियो मेरा बहुत अच्छा रहा है। और लगातार मेंस के लिए पहले से ही जब बच्चे प्रिपेयर एग्जामिनेशन देकर आए, नंबर मिलाने के बाद वो निश्चिंत थे। बैच आपका ऑलरेडी से चल रहा है मेंस का, और कुछ एक्ट समाप्त भी हो चुके हैं। जीएस में सबसे ज़्यादा समस्या है, जीएस के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है ताकि जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। मेंटेन लगातार हो रहा है और आप भी सहयोगी बनिए अगर किसी भी प्रकार की समस्या है। और यूट्यूब पर भी आपको जो भी मेरे द्वारा संभावित है कि संभावना है कि हम इतना कर सकते हैं, क्षमता है, उतने वीडियोज आपके पढ़ते रह रहे हैं। अन्य मैटर्स के भी वीडियो आपके जल्द से जल्द पढ़ेंगे और मेंस की स्ट्रेटजी पर भी आपका रहेगा। बस ऐसे ही लिखाना, धारा लिख दिए, केस लिख दिए, नंबर नहीं मिलता है, ये बात आप भी जानते हैं। और उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी आपकी इसके वीडियोज में चर्चा होगी। और फिलहाल यही है, बधाई एवं शुभकामनाएं हैं इन बच्चों को, ताकि अच्छे से मेहनत करें। और रही संभावित तिथि की बात, तो प्री का रिजल्ट एक महीने के भीतर आ रहा है, मेंस का फॉर्म भरा जाएगा, फिर इसके बाद मेंस का परीक्षा की तिथि तब तक आपकी आ जाएगी। तो जो देखा जा रहा है, तो औसत माना जा रहा है नवंबर में आपकी मुख्य परीक्षा भी हो सकती है, संभावित है। तो नवंबर को ही आधार बनाया करके आप तैयारी करिए। और ख़ास बात यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे, मेरे खुद के ऐसे बच्चे सफल हुए हैं जो बिहार एपीओ में भी मेंस उनको नवंबर में लिखना है और साथ में यूपी भी आ गया है। तो घबराना नहीं है, इसी प्रकार की परेशानी नहीं है, कॉमन सब्जेक्ट हैं, कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं। जैसे यूपी में पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन बढ़ेगा, ये एक अलग है, वहाँ माइनर एक्ट्स बढ़ेंगे, बाकी सारा प्रोसीजर एक ही जैसा है। तो आपको ये नहीं घबराना है कि हम क्या करें क्या ना करें, बल्कि एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जाए। यदि आप एक साधना जान रहे हैं, तैयारी में भटकाव नहीं कर रहे हैं,
तो आपको दोनों परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। और उस दिशा में जो भी बच्चे प्रयासरत हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि दोनों परीक्षाओं में सफल हों, अंतिम रूप से फिर वो चयन करें कि हमको कहाँ पर APO बनना है, बिहार में बनना है या UP में बनना है। ठीक है, ऐसे ही विद्यार्थी जो जिनको चुनना पड़ता है उन्हीं का श्योर सिलेक्शन होता है। तो मेहनत करिए, मेंटेन करिए, मुझसे जो भी क्षमता है मैं आपके सहयोगी के रूप में रहूँगा। अन्य कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैटर उचित समय पर मिलता रहे। और बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा, तो वीडियो अपलोड होती रहेंगी, आपको सूचना मिलती रहेंगी। अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।